इंडिया में बढ़ती हीट वेव और गर्मी की वजह से ही एयर कंडीशनर की डिमांड भी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 2024 में ही एयर कंडीशनर्स की सेल 14 मिलियन यूनिट तक छू जाएगी। लेकिन शायद ही इंडियन कंज्यूमर ये सोच रहे हैं कि जिस एयर कंडीशनर्स को वो गर्मी से बचने के लिए खरीद रहे हैं वो उनकी मौत का कारण तक बन सकता है। एसी में ब्लास्ट की वजह से बताया जा रहा है ये आग लगी है। आपको ठंडा करने वाला एयर कंडीशनर खुद इतना गर्म हो जा रहा है कि बम की तरह फट जा रहा है। कई राज्यों में बढ़ती भीषण गर्मी के बीच एसी में लगे कंप्रेसर फटने की घटनाएं भी तेज हो गई, क्योंकि हाल ही में राजस्थान में एक एयर कंडीशनर फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एसी का एक कंप्रेसर फट जाने की वजह से न सिर्फ 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए बल्कि इस धमाके में एक शख्स की तो टांग तक उड़ गई। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि मुंबई, नोएडा, तमिलनाडु और यहां तक पूरे भारत भर में ही आपको एयर कंडीशनर ब्लास्ट होने के कई और मामले भी मिलेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इंडिया में इतने एसी फटने के मामले सामने क्यों आ रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। साथ ही ये भी बात करेंगे कि राजस्थान में फटा एसी वाला केस लखनऊ में फटे एसी वाले केस से अलग क्यों था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके घर में एसी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि एसी की तरह ही आपको पूरे इंडिया में रेफ्रिजरेटर फटने के भी कई मामले दिखेंगे जिसमें भी कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और तो और एंड में हम ये भी बात करेंगे कि आप कौन से स्टेप्स या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि आपका एयर कंडीशनर ब्लास्ट होने से बच सके। तो ये समझने से पहले कि आखिरकार एयर कंडीशनर फट क्यों जाते हैं, आपको पहले ये समझना होगा कि एक एयर कंडीशनर वर्क कैसे करता है। जैसा कि आप ये जानते हैं कि एक स्प्लिट एसी सिस्टम में 2 यूनिट होती हैं, एक इंडोर यूनिट जिसे अक्सर हम एसी के नाम से बुलाते हैं और एक आउटडोर यूनिट जिसमें एक्चुअली में ज्यादातर काम होता है। तो एयर कंडीशनर की इंडोर यूनिट जिसे ठंडी हवा निकलती है वो असल में इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि उसके फैन के पास एक मेटल कॉइल लगी होती है जिसमें से लगातार एक कोल्ड रेफ्रिजरेंट कंटिन्यूअसली पास होता रहता है और फैन की ब्लो करी हुई एयर इस कॉइल से होकर गुजरती है तो हवा का टेम्परेचर भी काफी कम हो जाता है जिसकी वजह से एयर कंडीशनर ठंडी हवा निकालने लगता है। लेकिन जो अगला सवाल उठता है कि आखिरकार इन कॉइल्स के अंदर ये ठंडी रेफ्रिजरेंट या गैस आती कहां से है? तो शायद आप भी दूसरे लोगों की तरह यही सोच रहे होंगे कि एयर कंडीशनर के कॉइल में फ्लो कर रही ठंडी गैस आउटडोर यूनिट में लगे कंप्रेसर से निकलती होगी। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि कंप्रेसर का काम असल में रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना नहीं बल्कि गर्म करना होता है। What? जी हाँ, जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट में लगा ये कंप्रेसर न सिर्फ पूरे एसी यूनिट के लिए एक हार्ट की तरह काम करता है जिसका काम होता है पूरे सिस्टम तक ये रेफ्रिजरेंट को पंप करना, बल्कि जैसे आप इसको नाम से अज्यूम करते हैं कि ये रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का भी काम करता है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि जिस भी चीज का प्रेशर इंक्रीज होता है उसका टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, इसलिए कंप्रेसर से बाहर निकलने वाले रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी काफी बढ़ जाता है। ये सेम उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिस तरह घर पे हम पानी उबालते हैं वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है जिससे इवेपोरेशन भी कहते हैं, जिसके बाद कंप्रेसर से निकलने वाली गैस सीधा पहुंचती है आउटडोर यूनिट में लगे कंडेंसर कॉइल में जिसके आगे एक फैन लगा होता है और इस फैन का काम होता है पाइप में मौजूद रेफ्रिजरेंट की हीट को बाहर निकालना। और इतने लंबे पाइप से गुजरने के बाद कॉइल में मौजूद रेफ्रिजरेंट गैस न सिर्फ ठंडी हो जाती है बल्कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर गिरने की वजह से वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम उसी तरह जब हम रेफ्रिजरेटर में रखी हुई पानी की बॉटल को बाहर निकालते हैं और एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर उसके टच होने के बाद वापस से लिक्विड में बदल जाते हैं, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं और इसी वजह से एयर कंडीशनर के इस कॉइल को कंडेंसेशन कॉइल भी बोला जाता है। कंडेंसेशन कॉइल से आगे बढ़ने के बाद रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर काफी हद तक कम हो चुका होता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट भी हो गया होता है, मगर वो फिर भी इतनी ठंडी नहीं होती कि वो कमरे को ठंडा कर सके। इसलिए रेफ्रिजरेंट को और भी ज्यादा ठंडा करने के लिए एसी में लगा अगला कंपोनेंट एक्सपेंशन वाल्व मदद करता है। असल में ये एक्सपेंशन वाल्व की ओपनिंग बहुत ज्यादा ही नैरो होती है जिसकी वजह से न सिर्फ रेफ्रिजरेंट का प्रेशर डिक्रीज होकर वो काफी ठंडा हो जाता है बल्कि ये रेफ्रिजरेंट को वेपर्स और लिक्विड के फॉर्म में बाहर करता है, सेम उसी तरह जिस तरह एक स्प्रे वर्क करता है। और इसके बाद ठंडा रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से एसी के इंडोर में लगी
लगी एवेपोरेशन कॉइल तक पहुंचते हैं और हमारे रूम में ठंडी हवा आने लगती है। इसके अलावा एवेपोरेशन कॉइल में रेफ्रिजरेंट गुजरने के बाद और रूम की हीट एब्जॉर्ब होने पर कॉइल में मौजूद रेफ्रिजरेंट वापस से गैस में बदल जाता है और ये गैस दोबारा से कंप्रेसर की तरफ ही जाने लगती है। मगर एक एयर कंडीशनर का कंप्रेसर इसी तरह ही डिजाइन होता है कि ये सिर्फ गैस को ही कंप्रेस कर सकता है, लिक्विड को नहीं। इसीलिए अगर बाय चांस कंप्रेसर में लिक्विड पहुंच जाए तो ये कंप्रेसर एक्सप्लोड भी कर सकता है, जो कि इस वीडियो की पहली वजह है कंप्रेसर के ब्लास्ट होने की। मगर इस चीज से बचने के लिए एयर कंडीशनर्स में इवेपोरेशन कॉइल और कंप्रेसर के बीच में एक थर्मल एक्सपेंशन वाल्व भी लगी होती है, जिसका काम होता है रेफ्रिजरेंट में मौजूद वेपर्स और लिक्विड को पूरी तरह से गैस में बदलना। और कभी कदार इस कंपोनेंट में खराबी की वजह से एयर कंडीशनर के कंप्रेसर ब्लास्ट तक हो जाते हैं। इसके अलावा जो अगला रीजन है एयर कंडीशनर के ब्लास्ट होने का, वो है रेफ्रिजरेंट में लीकेज होना। एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होने वाला रेफ्रिजरेंट असल में एक फ्लेमेबल गैस होती है, और अगर हमारे एसी सिस्टम में कहीं पर लीकेज हो जाए और ये किसी भी तरह के इग्निशन से कॉन्टैक्ट में आ जाए तो काफी चांसेस हो सकते हैं कि हमारा एयर कंडीशनर आग पकड़ ले। और तो और रेफ्रिजरेंट में लीकेज की वजह से हमारे कंप्रेसर को ज्यादा काम करना भी पड़ सकता है, जिससे वो ज्यादा ओवरहीट भी हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा एयर कंडीशनर एक्सप्लोड या ब्लास्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हमारे एयर कंडीशनर की गैस लीक हो चुकी है या फिर उसका लेवल काफी हद तक कम हो गया है, यूं तो R22 सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज्ड रेफ्रिजरेंट है, मगर कभी कदार अगर हमारा एसी का टेक्नीशियन इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो वो गलत गैस भी रिफिल कर देता है, जो कि बड़ी वजह बनती है हमारे एसी यूनिट के खराब हो जाने की या फिर एसी ब्लास्ट होने की। इसके अलावा गलत वायरिंग या दूसरे इलेक्ट्रिकल इश्यूज होना, कॉइल सही तरह से साफ ना होना और तो और एसी के पार्ट में ल्यूब्रिकेशन ना होना भी उन रीजंस में से एक है जिसकी वजह से हमारा एयर कंडीशनर ब्लास्ट तक हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार लखनऊ और राजस्थान में हुए ब्लास्ट इनमें से किस वजह से हुआ था, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा एयर कंडीशनर यूनिट ब्लास्ट होने से बच सके। तो लखनऊ में हुआ एसी ब्लास्ट असल में गैस या रेफ्रिजरेंट रिफिलिंग के दौरान हुआ था, जिसमें काफी चांसेस हैं कि या तो कंप्रेसर में लिमिट से ज्यादा गैस फिल करी गई थी या फिर गलत टाइप की गैस भर जाने की वजह से ये हादसा हुआ था। और वहीं राजस्थान के जयपुर शहर में हुए एसी ब्लास्ट के पीछे की असली वजह थी शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से दो जाने चली गई थी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए आप इतने एंड तक आए हैं कि हम कौन से स्टेप्स या प्रिकॉशंस लें ताकि हमारे साथ ये हादसा ना हो, तो सबसे पहले अपने एसी की सर्विसिंग साल में एक बार की जगह दो बार करवाइए, एक सीजन के स्टार्ट में और एक बीच में, वो भी ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो एयर कंडीशनर सर्विस करने में। इसके अलावा ये मत सोचिए कि आपने हाल ही में सर्विस करवाई है तो आपके घर यह हादसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम राजस्थान वाले केस से सीख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट भी एयर कंडीशनर में ब्लास्ट का एक रीजन है। और आप ये भी जानते हैं कि एक एयर कंडीशनर काफी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, इसलिए आप अपने घर में अच्छे क्वालिटी और मोटे वायर से ही वायरिंग करवाएं ताकि वो एसी का लोड झेल सके, और आंधी या तूफान के टाइम पे अपने एयर कंडीशनर को जरूर अनप्लग कर दें, और तो और एयर कंडीशनर को डायरेक्ट ही सॉकेट्स में प्लग करें और किसी भी तरह का एक्सटेंशन इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें एसी यूनिट को पावर करने के लिए। वहीं पुराने एयर कंडीशनर में गैस रिफिलिंग से पहले कि आपका टेक्नीशियन सही टाइप की गैस फिल कर रहा है, और तो और अपने एयर कंडीशनर को कंटिन्यूसली चलाने की जगह आप उसे रेस्ट दे देकर चलाएं, जिससे आपका एसी का कंप्रेसर ओवरलोड और ओवरहीटिंग से बच सकेगा और एयर कंडीशनर से होने वाली घटना के चांसेस भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।